कहा जाता है कि जब भगवान को देना होता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ नवादा के एक निजी नर्सिंग होम में, जब एक महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। नवादा जिले के सदर प्रखंड के अंबिका बिघा गांव की रहने वाली सपना पिछले 5 वर्षों से मां बनने का सपना संजोए हुई थी। सपना पूरा करने की गुहार लगाते हुए वह मंदिरों और मजारों पर गई, कई चिकित्सकों से सलाह ली, लेकिन वर्षों तक निराशा ही हाथ लगी। इस बीच सपना की गोद भरी हो गई और उसका सपना हकीकत बन गया, वे भी ऐसा कि लोग दंग रह गए। नवादा के एक निजी नर्सिंग होम में सपना ने एक दो नहीं बल्कि एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। नर्सिंग होम की चिकित्सक डॉ सुधा शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि पहले बच्चे का जन्म गुरुवार को शाम 5 बजे हुआ और फिर कुछ ही समय के दौरान बारी बारी से 5 बच्चों ने जन्म लिया, 3 लड़के और 2 लड़कियां। डॉक्टर सुधा ने बताया कि 5 बच्चों का जन्म बिना ऑपरेशन के हुआ है। सभी बच्चों का वजन 600 से 700 ग्राम के बीच था। शुक्रवार सुबह 3 बच्चों की कुछ ही समय के अंतराल पर एक एक कर मौत हो गई, जबकि एक लड़का और एक लड़की अभी पूर्णतः स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. महेश कुमार की निगरानी में रखा गया है।